क्योंकि ये मोटराइज्ड है तो इससे बहुत ही स्पीड से डार्ट्स रिलीज होते हैं, और अगर राउंड एक बार चैम्बर में एंटर हो गया तो चांसेस हैं कि वो फायर होगा ही। हेलो एंड वेलकम, आज टॉयज पिटारा में हम चेकआउट करेंगे वर्ल्ड्स डेडलीएस्ट वेपन AK-47। डोंट वरी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट्स रेप्लिका मॉडल। तो आज की वीडियो में हम इस AK-47 रेप्लिका मॉडल के रिव्यू के साथ साथ मैं इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, एंड आई गारंटी यू दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लाइक इट। आप देख सकते हैं यहाँ पर AK-47 लिखा हुआ भी है। दोस्तों ये एक मोटराइज ब्लास्टर है और इसके साथ 20 डार्ट्स और एक मैगजीन भी अवेलेबल है। तो चलिए अब इसे चेक करते हैं। रियल AK-47 की तरह ये राइफल भी फुली ऑटोमेटिक है और इसके पार्ट्स इस बॉक्स में इस तरीके से डिसअसेंबल्ड कंडीशन में है। तो चलिए पहले इन एक एक पार्ट्स को चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद इन्हें असेंबल करके हम अपनी राइफल को रेडी करेंगे। तो इस बॉक्स में ये सारे के सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। ये सबसे पहले है बैरल असेंबली, सेकेंड है ये बॉडी असेंबली, थर्ड है इसका बट जो कि बैक साइड में लगेगा, फिर ये है स्कोप साइट, ये है हैंड ग्रिप, एक है मैगजीन इसमें इंक्लूडेड, इसमें है 20 डार्ट्स और बैटरी और चार्जिंग के लिए केबल। तो चलिए अब इन्हें असेंबल करते हैं और अपनी राइफल को रेडी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी बॉडी और इसके बट को अटैच करूँगी। इसके बट में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर दो कैच दिए गए हैं और बॉडी में यहाँ पर दो ग्रूव्स हैं जिसमें हम बट को फिट करेंगे। बट को इसमें फिट करने के लिए ये जो दो पॉइंट्स हैं इन्हें हमें इस तरीके से नीचे की ओर प्रेस करना है और फिर हम इसे इस तरीके से स्ट्रेट आगे लेकर जाना है और ऐसे ये इसमें फिट हो जाएगी। अब फ्रंट वाले पार्ट में मैं यहाँ पर बैरल अटैच करूँगी। बैरल अटैच करने के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें ग्रूव्स दिए गए हैं और बैरल में यहाँ पर दो कैच हैं। तो इस तरीके से हम इसे अटैच करने के लिए हल्का सा पहले टिल्ट करेंगे और फिर आगे की ओर प्रेस करते हुए इस तरीके से घुमा देंगे और अब आप देख सकते हो कि हमारी राइफल ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ इसके टॉप ट्रैक में मैं इस स्कोप साइट को हल्का सा स्लाइड करते हुए आगे की ओर बड़ी आसानी से इसमें स्कोप साइट फिट हो जाएगी। यहाँ बॉटम में हम हैंड ग्रिप को भी स्लाइड करते हुए फिट कर देंगे। लास्ट पार्ट है इसकी मैगजीन। ये मैगजीन एकदम रियलिस्टिक AK-47 की तरह ही है। रियल AK-47 मैगजीन में टोटल 30 राउंड्स तक आते हैं लेकिन इसमें केवल 20 डार्ट्स ही फिट कर सकते हैं, इसीलिए इसका साइज थोड़ा छोटा है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि मैगजीन में ये जो कर्व वाला पार्ट है ये हमेशा फ्रंट में ही रहना चाहिए और इसी तरीके से फ्रंट में ये पोर्शन रखते हुए इसमें हम टॉप से इन डार्ट्स को हल्का सा प्रेस करते हुए फिट करेंगे और डार्ट्स को हम इसी तरीके से कॉन्टीन्यूसली फिट करते चले जाएंगे। अब मैगजीन लोड हो चुकी है और अब हम इसे करेंगे राइफल में फिट। राइफल में मैगजीन फिट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका कैच। इस कैच को हमें आगे की ओर जब हम इसे प्रेस करेंगे तब उसके बाद ही हम इसमें मैगजीन को इंसर्ट करेंगे। मैगजीन कैच को जब हम आगे की ओर प्रेस करते हैं तो ये जो अंदर वाला कैच है ये पीछे की ओर हट जाता है, उसके बाद ही हम मैगजीन को फिट कर सकते हैं। मैगजीन में भी आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रूव है, तो जब हम बटन को रिलीज करेंगे तब मैगजीन कैच मैगजीन ग्रूव में फिट हो जाएगा और इसे होल्ड करके रखेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से मैगजीन को राइफल में फिट किया जाता है। राइफल की असेंबली कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट पार्ट बचा है इसमें बैटरी इंस्टॉल करना। बैटरी इंस्टॉल करने के लिए इस कंपार्टमेंट को हम ओपन करेंगे और यहाँ पर इस रिचार्जेबल बैटरी को फिट करेंगे। बैटरी इंस्टॉल हो चुकी है और अब एक सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है जो कि है इस बटन को यहाँ प्रेस करके ऑन करना और आपको अब मोटर की साउंड भी सुनाई दे रही होगी। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। AK-47 1949 में रिलीज हुई थी और आज 73 इयर्स के बाद भी ये 106 कंट्रीज की आर्मी का प्राइमरी वेपन है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 100 मिलियन से भी ज़्यादा AK-47 पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रही हैं। ये आर्मी और टेररिस्ट दोनों का ही मोस्ट प्रेफर्ड वेपन है।
AK-47 दुनिया का अकेला ऐसा वेपन है जो किसी भी तरीके की रफ कंडीशन या फिर वेदर कंडीशन में ऑपरेशनल रहता है, और अगर राउंड एक बार चैम्बर में एंटर हो गया तो चांसेस हैं कि वो फायर होगा ही। ये राइफल्स रशियंस को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने अराउंड 10 इयर्स तक इस राइफल को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। इस राइफल को क्लासनिकोव ने बनाया था और इसीलिए इसका नाम है ऑटोमेटिक क्लासनिकोव, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है AK। और जैसा कि अभी रिसेंटली हमने KGF मूवी में देखा था कि जब हमारा हीरो रॉकी दुबई गया था तब उसे ये वेपन बहुत ज्यादा पसंद आया। वहां पर उसे गैंगस्टर्स ने इसका नाम क्लासनिकोव ही बताया। और आपको KGF मूवी में इस गन का अमेजिंग पावरफुल फायरिंग वाला सीन तो याद ही होगा। अमेरिकन जब वियतनाम वॉर में गए थे तब वो अपने साथ अपनी राइफल M16 लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें अपनी राइफल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। और जब वो अपने ओपोनेंट को नोटिस कर रहे थे तो वो ये देख के हैरान थे कि उनके पास ऐसा कौन सा वेपन है कि वो कीचड़ में छुप के भी बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहे हैं। तो टेस्टिंग शुरू करते हैं। मेरे सामने कुछ टारगेट्स हैं, मैं यहाँ पर स्पाइडरमैन को चूज ना करते हुए नीचे स्केलेटर को चूज करूंगी। चेक करते हैं। सो फाइनली आई मैनेज टू हिट स्केलेटर आल्सो। माय गॉड, बहुत मतलब तेज स्पीड है यार उसकी। इस ब्लास्टर की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और क्योंकि ये मोटराइज्ड है तो इससे बहुत ही स्पीड से डार्ट्स रिलीज होते हैं। इसके 20 राउंड्स कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक बार उसका डेमो भी अब आप चेक कर लीजिए। आप देख सकते हो कि डार्ट्स यहाँ फ्रिज तक आकर भी लग चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी वक्त से AK-47 का रेप्लिका मॉडल सर्च कर रही थी। मैंने बहुत सारे मॉडल्स देखे लेकिन मुझे कोई भी ऐसा मॉडल नहीं दिखा जो कि इसके लेवल का हो। अनडाउटेडली दिस इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ AK-47। जस्ट इन केस इफ यू वॉन्ट टू परचेज इट तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की हैं जिसमें कि मैंने नर्व ब्लास्टर्स और इवन कि एक पिस्टल का भी रिव्यू किया है, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आऊँ तब तक के लिए बाय।